देखो सुनो मेरी बात, देखो इंडिया का सेमीकंडक्टर ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, समझ रहे हैं मेरी बात। इकोनॉमिक्स के टॉपिक की एक कंपाइलेशन की वीडियो जितने भी शॉर्ट टर्म्स में हैं वो हम आपके आसपास जो है आपके लेके आ जाएंगे, कल या परसों में क्या करेंगे, जितने भी मार्च से और अभी तक के जितने भी आपके करंट अफेयर्स कंपाइल हैं उनको क्वेश्चन फॉर्म में एक जगह लिख लेंगे। पर अभी के लिए तुमको आपका जो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हुआ है क्योंकि यहाँ से दो जगह से तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है। एक तो ये स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, समझ रहे हो मेरी बात, कि सरकार ने कोरोना के टाइम पे लेके आई थी, ठीक है, ये क्यों ये मैं बताऊंगा अभी आने वाले टाइम पे। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या बन सकता है, सेमी कंडक्टर से बन सकता है। सेमी कंडक्टर के लिए तुम्हारा क्वेश्चन फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, कि सेमी कंडक्टर्स क्या है। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं कि सेमी कंडक्टर आपको क्या होता है। ऐसा वो मटेरियल जो तुमने बचपन में देखे होंगे, इंटीग्रेटेड चिप्स आती है तुम्हारी, जो चिप्स होती है तुम्हारे, वो चिप्स आपका जो है बेसिकली सेमी कंडक्टर से बनी हुई होती है। तो वो कोई चीज जो बेसिकली जिसकी इलेक्ट्रिक एंड कंडक्टिविटी लाई करती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है लगभग लगभग बहुत हाई होता है आपका, ठीक है। ऐसी किसी भी चीज को हम क्या कहते हैं, ऐसी किसी भी चीज को हम आपका जो है सेमी कंडक्टर कहते हैं। अब तुम आपका जो है देखोगे, इंडिया में सबसे पहले हमने एक मिशन लॉन्च किया था जिसको बोलते हैं डिजिटल इंडिया, और डिजिटल इंडिया का आपका जो है तुम्हारे क्वेश्चन आते रहे हैं कई बार आपका स्कीम्स के तौर पे, क्योंकि गवर्नमेंट के स्कीम्स के क्वेश्चन अगर आपने एनडीए सीडीएस के किसी भी एग्जाम में देखे होंगे तो हर अल्टरनेट ईयर में या फिर किसी भी साल कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपका जो है लाया कर जाते हैं सिर्फ स्कीम्स की, समझ लो मेरी बात। जैसे अगर कोई करंट में स्कीम चल रही है तो उसका क्वेश्चन आता है। तो एक सेंटर ने डिजिटल इंडिया स्कीम कंप्रोमाइज की थी जिसको आपका जो है बेसिकली 9 पिलर्स के ऊपर हमें रखा हुआ, और इसका मोस्ट जो फोकस था वो ई गवर्नेंस के ऊपर था, कि भाई जैसे हमारी इलेक्ट्रॉनिक जो आजकल चेंजेस हो रही है ना गवर्नेंस, कैसे आपका जो है हम क्या करें डिजिटलाइज करें। तो इसमें से आपका जो है मोस्टली जो सारा फोकस रहा है वो आईटी और अपनी जो है बेसिकली इकोनॉमी के ऊपर रहा है। तो एक अभी सरकार ने ना आपको कई बार पैकेज भी जारी किया था जिसमें एक पीएलआई स्कीम अनाउंस की थी अभी सरकार ने 2021 में, और उसमें सेंटर ने अनाउंस किया था कि 2.3 ट्रिलियन आपका जो है वो बेसिकली इन सारी चीजों पे क्या करेगा, एक आपका जो है फोकस लेके आएगा। अब देखो अगर तुम आपका जो है बात करते हो किसकी, अगर तुम बात करते हो आपका जो है बेसिकली इसराइल जैसे कंट्रीज की, तो वहां पे चिप्स के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आपका जो है कई सारी जॉब्स क्रिएट होती हैं, कई सारे आपका जो है बेसिकली क्या करते हैं लोग इस सेक्टर में इंगेजमेंट दिखाते हैं। तो अगर इंडिया में ऐसा कुछ होगा जिससे सेमीकंडक्टर को पुश मिलेगा, तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो जॉब क्रिएट करके दे सकता है। और अभी मोदी जी आपको कुछ दिनों पहले एक बात कह रहे थे कि इंडिया में हम लगभग लगभग 10 लाख करोड़ की जॉब्स आपको क्रिएट करके देंगे, तो वो 10 लाख जॉब आपको क्रिएट करने के पीछे अगर आपका सेक्टर है तो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट नहीं कर सकते, आपको अलग अलग सेक्टर में आपका क्या करना पड़ेगा, अलग अलग सेक्टर में आपका जो है बेसिकली अपनी फोकस डालनी पड़ेगी। तो अगर आप वहां से इंडिया के सेमीकंडक्टर को पुश देंगे तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप बेसिकली आपका वहां से चीजों को निकाल के लेके आ सकते हैं, लोग उसमें जॉब एम्प्लॉय कर सकते हैं और लोगों को स्किल्ड वर्कर मिलेगी, समझ रहे हैं मेरी बात, हम स्किल्ड वर्कर के लिए डिमांड करते हैं ना, तो अगर स्किल्ड वर्किंग आज शुरू हो जाएगी तो उससे क्या होगा, उससे लोगों को एक पुश मिलेगा। अब आप इसको कर कैसे सकते हैं, देखो जब आपका सरकार ने पहले तो सबसे पहले ये एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुमसे कि जो पीएलआई स्कीम है इसको क्या बोलते हैं, ये होती है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव आपका जो है स्कीम जो है ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंदर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसको यहाँ से कई सारे मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर आती है या फिर आपका कोई डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक्स का, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, तो उसके अंदर आती है। तो एक तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा कि पहले ये जो स्कीम आपने स्टार्ट की थी वो लगभग लगभग 3 सेक्टर से की थी, एक इसमें ऑटोमोबाइल्स का बड़ा सेक्टर था, इसके अलावा आपका जो है बेसिकली उस टाइम पे जब हमने शुरू किया था तो मेडिकल वगैरह थे और फार्मास्यूटिकल्स वगैरह। अब आज ये बढ़ के लगभग लगभग आपका 13 सेक्टर तक चला गया, और 13 सेक्टर में आपका कैसे होता है, 13 सेक्टर में आपका जो है बेसिकली सरकार अपने इनिशिएटिव दे रही है। अब वो कैसे दे रही है, ध्यान से सुनना, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे हम उतनी ज्यादा आपको छूट देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑटोमोबाइल्स को आपका इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस ऑटोमोबाइल को मैन्युफैक्चर करने के साथ हम आपका क्या करेंगे, अगर सपोर्ट आप मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में कर रहे हैं, आप बिल्कुल असेंबली वगैरह जो है वो भी सारी इंडिया के अंदर कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे उसके ऊपर उतना ज्यादा सरकार आपको इंसेंटिव देगी, टैक्स में छूट देगी, टैक्स के साथ छूट देगी, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। और अगर आपका ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो उससे क्या होगा, उससे देश में जॉब्स क्रिएट होंगे नए, और ये आपका जो है बेसिकली इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट कारगर साबित हो सकती है। तो एक चीज याद रखना, मैंने 2-3 चीजें याद रखनी है कि इंडिया का जो सेमीकंडक्टर है ये इस टाइम पे करंट में न्यूज में बना हुआ है,
और ये एक बेसिकली इकोनॉमिक्स के सेक्टर में आपका क्या कर सकता है, जॉब्स क्रिएट करके बूम मार्केट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो अगर ये सब कुछ हुआ तो शायद आपका जो बेसिकली इस सेक्टर को भी पुश मिलेगा, साथ साथ आपका जो है बेसिकली रोजगार को भी बिल्कुल एकदम मिल सकता है। और आपका जो है क्या हुआ, इस वाले आपका जो है PLI को याद रखना, PLI के साथ एक डिजिटल इंडिया याद रखना, डिजिटल इंडिया कब आया था 2014 के टाइम पे लॉन्च किया।